प्रशासन व इंदौर नगर निगम द्वारा अपराधियों के मकानों को किया जमींदोज। कनाड़िया थाना पुलिस के पत्र के आधार पर निगम की कार्यवाही। कुख्यात अपराधी सद्दाम और सोएब के मकान पर चला निगम का बुलडोजर। पिछले दिनों गाड़ी ओवरटेक करने की बात पर सद्दाम और सोएब ने अपने साथियों के साथ कार में बैठे परिवार पर कर दिया था चाकू से हमला। हमले में दुल्हे की मौत। सद्दाम व सोएब के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया और पुलिस बल की मौजूदगी में निगम ने बदमाश के मकानों को किया जमींदोज। आपको बता दें, यूसुफ पटेल ने सिंगापुर टाउनशिप ग्रीन व्यू कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान में काम करने वाले मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार रहवासी आरोपी यूसुफ पटेल पर सख्त कार्यवाही करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा था। जहाँ इसी कड़ी में मंगलवार को आरोपी यूसुफ पटेल के मकान को नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। साथ ही दो आरोपी के मकान को भी जमींदोज किया गया, जिसमें कुख्यात अपराधी सद्दाम और शोएब के मकान पर भी निगम का बुलडोजर चला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। सद्दाम ने तिलक नगर स्थित निवास पर चला निगम का बुलडोजर, साथ ही कनाड़िया बाईपास पर स्थित शोएब नामक अपराधी के मकान को निगम ने जमींदोज कर दिया। वहीं तीसरा 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी यूसुफ पटेल के खजराना थाना क्षेत्र स्थित मकान पर भी निगम के हथौड़े चले। प्रशासन के निर्देश पर हाई कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। आज की गुंडा अभियान के तहत कार्रवाई की गई थी और एक खजराना थाना के अंतर्गत है और एक कार्रवाई हमारी तिलक नगर थाना के अंतर्गत। तो तिलक नगर में कितने पे कार्रवाई हुई है? एक मकान वहाँ का थोड़ा है और एक खजराना थाना में जल्ला कॉलोनी। क्या नाम है सर दोनों गुंडों के? सर सादिक का है और एक सादी पुलिस। आज सर दो ही कार्रवाई की, दो क्या तरीके की कार्रवाई? अभी दो ही कार्रवाई है, सदर प्रोग्राम है। जैसे तिलक नगर में कितना तोड़ा सर? एक मकान। क्या नाम है गुंडे का? सादिक। सद्दाम नाम था। सद्दाम। अच्छा। और यहाँ सर ये कौन है? यूसुफ। इंदौर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद भी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बढ़ते अपराधों के विरोध में कांग्रेस ने मैदान पकड़ लिया है। कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा के पास काली पट्टी बांधकर मौन धरना दिया। इंदौर शहर में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हत्या, लूट और हत्या का प्रयास आम बात हो गई है। अपराधों को लेकर जनता भयभीत है। बढ़ रहे अपराधों के विरोध में सोमवार को कांग्रेस सड़क पर आ गई। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस द्वारा गांधी प्रतिमा के पास मौन धारण किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा नेतृत्व में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर दिए धरने के दौरान कांग्रेसियों ने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी और हाथों में तख्तियां ले रखी थी। कांग्रेस अध्यक्ष चड्ढा ने बताया कि शहर में अपराध बुलंदियों पर पहुंचते जा रहे हैं। अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जनता दहशत में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। मौन रहने में, आवाज करने से ज्यादा मौन रहने में ज्यादा ताकत है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मौन रहने में जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आवाज करने में नहीं है। आप जानते हैं कि इंदौर शहर एक अमन पसंद शहर था और इस शहर का अमन चैन छिन गया है। पुलिस सिर्फ मुंह दिखाई करती है। पुलिस का काम सिर्फ चालान बनाना और वसूली करना रह गया है। पूरा शहर दहशत में है। आज इंदौर में आप देख रहे हैं 8 माह में 36 हत्याएं हो गई। आप देख रहे हैं सुबह से पीड़ित परिवार यहां पर है। हमने कई बार, हमारे सभी सम्मानित विधायकों ने, हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कई बार हमने पुलिस को जाके चेताया, पर आप देख रहे हैं कि जब से हमने ज्ञापन दिया है उसके बाद पुलिस फॉर्मेलिटी कर रही है, चौराहों पे चेकिंग कर रही है। पुलिस को गुंडों को पकड़ना चाहिए और आप देख रहे हैं कि गुंडों पे किनका प्रशय है। पूरा शहर जानता है कि आज पूरे शहर के गुंडे जो हैं वो कहाँ पर जमा है। आज इंदौर शहर जो अमन पसंद और भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज इस शहर में दहशत का माहौल है। आज लोग रात को निकलने में डर रहे हैं। जिस शहर में पूरी रात जगमगाता था शहर, जिसकी सराफा की चौपाटी 2 बजे तक चलती थी, आज 8:30 और 9 बजे घर से बच्चों को लोग निकलने नहीं दे रहे। आम जन जो है वो परेशान है और इस शहर का मन पसंद छिन गया है। हम सोई हुई पुलिस को जगाने के लिए आज मौन धरना दे रहे हैं और अगर इसके बाद भी इस शहर में अमन चैन नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस प्रशासन को नींद से जगाएंगे।
इंदौर में बढ़ते अपराध और युवाओं में बढ़ती नशे की लत के चलते जनप्रतिनिधियों शासन प्रशासन पर नाराजगी दिखाने रीगल तिराहे पर कुछ संगठन जुड़े। कृष्णबाग में हुए गोलीकांड में मृतक के परिजनों ने भी गार्ड को फांसी देने की मांग की। परिवार की महिलाएं रीगल तिराहे पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी भी की। शहर में पिछले एक महीने से बढ़ रहे अपराध के चलते विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर आज सुबह रीगल पर झूठने के लिए मैसेज चलाए गए थे। लिखा गया था कि लगातार अपराध के बावजूद पुलिस प्रशासन और नेता मौन है, तो इंदौर के नागरिकों को खुद आगे आना होगा। इस मैसेज को पढ़कर जितने भी लोग यहां जुटे उनके हाथों में शहर को नशे और अपराध से बचाने के लिए संदेश लिखी तख्तियां थी। रीगल चौराहे पर लगी गांधी की प्रतिमा के चारों ओर से लेकर साइड में भी लोग पंक्तियों में हाथों में बैनर तख्तियां लिए हुए नजर आए, तो एक और कांग्रेसी भी मुंह पर काली पट्टी बांधकर इंदौर में बढ़ते अपराधों को लेकर विरोध करते नजर आए। कृष्णबाग कॉलोनी में हुए हत्याकांड के विरोध में परिजनों और समाजजनों के साथ भी कई लोग पहुंचे और पुलिस प्रशासन को हत्याकांड के आरोपी की फांसी देने की मांग की। आज आए हैं जो चार दिन पहले कृष्णबाग कॉलोनी में घटना हुई है, उस घटना में ज्योति की आंखों की ज्योति चली गई है। वो प्रेग्नेंट है, 5 महीने का गर्भ है उसके पेट में, उसका 4 साल का बेटा है, उसका घर पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। इस घटना से 3 जनों के घर बिगड़े होंगे। हमको न्याय चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने नियम लागू करा है कि अपराधियों के घर टूटना चाहिए, ऐसे मध्य प्रदेश में नियम लागू होना चाहिए कि जो अपराध करे उसका घर तुरंत तोड़ा जाए। जी, 2 दिन पहले कृष्णबाग कॉलोनी में एक घटना हुई है जिसमें कुत्ते के विवाद को लेके एक सिक्योरिटी गार्ड ने नशे में अपनी 12 बार की बंदूक से गोलियां चलाई है। उस गोली के चलने से वहां पर 2 लोगों की हत्या हुई है और 5-6 लोग घायल हुए हैं। उसमें एक गर्भवती महिला है, उसका 6 महीने का बच्चा है, एक चार साल का बच्चा है जो कि अभी हमारे साथ आया हुआ है। सर, घटना तो जानकारी है, आज क्या प्रदर्शन करने आए हैं? आज हम सर पुलिस से ये मांग करने आए हैं। जी, आज हम पुलिस से इन सारी चीज़ों को लेकर मांग करने आए हैं कि पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में होना चाहिए, राहुल को न्याय मिले, ज्योति को न्याय मिले, जो हत्या हुई है उन अपराधियों का घर भी तोड़ा जाए और उसके अलावा इन सारी घटनाओं के लिए सर पुलिस के द्वारा। जी आप कौन हैं? जी मैं इनके साथ हूँ, इनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। मानसून के लंबे अंतराल के चलते एक बार फिर पुनः बारिश में मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में दस्तक दी। गत 2 दिनों से हल्की बारिश माध्यम लगातार बरस रही है। बंगाल की खाड़ी से उठी द्रोणिका के चलते मालवा निमाड़ के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विशेषज्ञ HL खपीड़िया की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में तापमान की अगर बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से जो द्रोणिका उठी उससे हल्की मध्यम बारिश आगामी 2-3 दिन तक लगातार होती रहेगी, फिर मौसम खुलेगा। अब तक कुल बारिश का 70% के करीब बारिश हो चुकी है। आगामी 1 महीना शेष और है जिसमें बची 30% बारिश भी पूरी संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों की कीट पतंगों से बचने के लिए दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। आगामी 4-5 दिनों के बाद एक बार फिर बारिश का मौसम बनेगा और अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। असल में हम जब देखते हैं कि बादल युक्त मौसम रहता है और मौसम में नमी रहती है और कभी कभी धूप निकलती है और फिर नमी आती है, तो ये कीड़ों के लिए कीट और जो मच्छर होता है उसके लिए फेवरेबल मैंने का अनुकूल स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ऐसे में फसलों में कीट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीटनाशक लेके हल्का स्प्रे करते रहें और सुबह और शाम खेत में निगरानी बने रखें ताकि आपको एकाध भी कीड़ा या मक्खी मच्छर दिखाई दे तो उसका तुरंत निदान करने का उपाय करें। और ऐसे किसान भाई जिनके यहाँ निचला स्तर है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ हमको अभी कुछ किसानों के यहाँ से समस्या आई है कि जो सोयाबीन की फसल है वो पीली पड़ गई और उसकी मेन वजह यही है कि वहाँ पानी ज़्यादा टाइम रुका रहा, उसकी वजह से उसकी रूट में जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम हुआ, उसकी वजह से पीलापन आया। पर कहीं कहीं पर जहाँ पानी लगातार गिरता रहा और धूप कम निकली ऐसे क्षेत्रों पर कहीं कहीं पर वायरस का अटैक भी दिखाई दिया, वो विशेषकर देपालपुर और सावेर तहसील में हम देखें तो कहीं वायरस का इफेक्ट दिखाई दिया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हल्का कीटनाशक लेके स्प्रे करने का सुझाव दिया जाता है। और जहाँ पानी रुकने की वजह से अगर फसल हमको पीली पड़ी है तो वहाँ हल्का सा यूरिया का छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। इंदौर के गोकुल नगर कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनी के गेट पर लगाया अनोखा बैनर, जहां राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए बैनर में लिखा गया वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ ही राजनीतिक दलों का विरोध कई कॉलोनी में विकास कार्य नहीं होने के कारण सामने आ रहा है। इंदौर नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 76 के गोकुल नगर कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनी के गेट पर बैनर लगाए हैं, जिसमें विकास कार्य नहीं होने को लेकर सिस्टम को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। लगाए गए बैनरों में राजनीतिक दलों ने नेताओं से वोट नहीं मांगने की गुजारिश की गई है। बैनर में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि राजनीतिक दलों के नेतागण चुनाव के लिए वोट मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। दरअसल गोकुल नगर कॉलोनी राव विधानसभा क्षेत्र में आती है, जहां करीब 350 से अधिक मतदाता निवास करते हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी में नर्मदा लाइन अब तक नहीं पहुंची, वहीं ड्रेनोज अवंतिका गैस लाइन के लिए भी रहवासी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में पानी की टंकी तो बनी है, किंतु उसमें आज तक पानी नहीं भरा गया। वहीं बगीचे की जमीन बंजर हो गई है, जिस पर अब तक अवैध रूप से लोग वाहन खड़े करने लगे हैं, जो कि अवैध पार्किंग स्थल बनता जा रहा है। गोकुल नगर के लोगों का कहना है कि वहां अब तक क्षेत्रीय विधायक पार्षद महापौर सांसद सहित तमाम जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों में शिकायत कर चुके हैं, किंतु उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कॉलोनी के रहवासियों के अनुसार यदि जल्दी ही उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वहां बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं गोकुल नगर में रहती हूँ और यहाँ पे जो मूलभूत समस्या यही है कि गैस की पाइपलाइन नहीं डली है, जबकि बाकी सभी कॉलोनियों में गैस की पाइपलाइन, नर्मदा पानी की जो हम लोगों को आना चाहिए कि नर्मदा का पानी मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके अलावा हम लोग सोचते हैं कि यह सर्विस रोड से जुड़ा हुआ है, बाहर की सभी कॉलोनियों से जो चोर उचक्के हैं वो इस कॉलोनी में आते हैं और दिन दहाड़े चोरियाँ होती हैं, तो उनको रोकने के लिए कम से कम बाउंड्री वॉल का निर्माण होना चाहिए दोनों साइड, बल्कि जहाँ जहाँ से ओपन है उधर तो उसको बंद करना चाहिए। ये दो तीन समस्याएं छोटी मोटी हैं जिनको पूरा किया जाए। इधर जो हमारा ये गार्डन है, इसमें लोगों ने पार्किंग एरिया बना रखा है, इसका विकास किया जाए, बच्चों के लिए ग्राउंड बनाया जाए, नहीं तो सारे बच्चे वहीं खेलते हैं कीचड़ में और सारे महादेव जी के मंदिर में सब गंदा बना होता है। तो मेरी यही चुनाव होने को है, इसलिए उन्हीं से गुजारिश है मेरी कि वो हमारी समस्याओं पर ध्यान दें और हमारी समस्याओं का निराकरण करें। यहाँ पे जो है ना, हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये लगाया हुआ, पूरे गोकुल नगर की सार्वजनिक समस्याएं हैं। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं से हम लोग सब वंचित हैं। जैसे कि आपको नर्मदा लाइन ऐसी कोई भी नियर अगर देखा जाए, कोई भी ऐसी टाउनशिप नहीं मिलेगी जहाँ पे नर्मदा लाइन ना हो, लेकिन यहाँ किसी पता नहीं किस द्वेष भावना से इस कॉलोनी में कोई भी नर्मदा लाइन के लिए सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरा आपको बता दें, अवंतिका गैस लाइन पिछले 7-8 सालों से पैसे यहाँ जमा है लोगों के, इसके बाद कोई भी जवाबदेही नहीं है। वो लोग राजनीतिक दलों पे छोड़ देते हैं, राजनीतिक दल ये छोड़ देते हैं कि ये मैटर अवंतिका का है, आप अवंतिका से बात करो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है जो हमें समझ में नहीं आता है। और हम लोग तो एक नौकरी पैसा वाले आदमी हैं, कर दे सकते हैं, इसके अलावा विकास तो उनका करने का है।